हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं 8:30, तो मैं आई हूँ किचन में। काम सारे हो गए हैं, सबने शावर भी ले लिया है, आलिया रस भी उठ गए हैं और पूजा भी हो गई है। तो मैं अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट, और मैं बैठी हूँ 2 मिनट के लिए, पानी ली हूँ, गर्म करके पानी पी रही हूँ। तो मैं सोची कि चलो वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ मैं चाय बनाऊंगी और टोस्ट है, टोस्ट के साथ चाय ले लेंगे हम लोग, क्योंकि लंच भी मुझे अभी बनाना है, क्योंकि ऑफिस चालू है तो लंच बॉक्स देना है। तो मैं सूरन की सब्जी बनाऊंगी और पूरी बनाऊंगी, राइस नहीं बनाऊंगी। राइस जब हमको लंच करना रहेगा आफ्टरनून में, तब बना लूँगी। तो जल्दी जल्दी से करना है अभी क्योंकि 8:30 हो गया है। चलिए फिर मैं बना लेती हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पर मैं रखी हूँ चाय, चाय हो रही है और जब तक चाय बनेगी तब तक मैं तैयारी कर लूँगी। सब्जी कट करनी है तो वो सब भी मैं कर लूँगी जब तक चाय बनेगी। तो पूड़ी तलने के लिए कढ़ाई में रखी थी, तो ये भी तल के दे रही हूँ और उसको बहुत पसंद है। और थोड़ा जब बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा बना देती हूँ, रख देती हूँ पैक करके डब्बे पे, तो उनको जब भी खाना रहता है तो मैं दे देती हूँ, बहुत पसंद है यार उसको। तो चाय भी बन के रेडी हो गई है, अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिर मैं आऊँगी तो बनाऊँगी सब्जी और पूरी। तैयारी हो गई है, आटा भी गूँथ ली हूँ मैं और सब्जी भी कट करके रख ली हूँ। तो पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे, फिर इसके बाद आके बनाऊँगी। तो यहाँ पे पैन में मैं ऑयल ली हूँ, मस्टर्ड ऑयल है, उसमें ये कटा हुआ सूरन ऐड कर दे रही हूँ फ्राई करने के लिए, क्योंकि फ्राई करके बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है। कुकर में फ्राई करूंगी तो अच्छे से नहीं होगा, इसके लिए मैं पैन में फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ कुकर में ऐड करी हूँ ऑयल, ऑयल गर्म हो रहा है तो मैं इसमें ऐड कर दूंगी फिर जीरा। जीरा चटकने लगा है तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटी हुई प्याज, और इसके साथ में मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ गर्म मसाले, खड़े गर्म मसाले, उसको मैं पीसी नहीं हूँ, ऐसे ही ऐड कर रही हूँ, उससे भी टेस्ट आ जाता है अच्छा। तो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें ऐड कर दूँ पीसे हुए मसाले, जिसमें मैं ली थी लहसुन प्याज हरी मिर्च अदरक, उसको मैं ऐड कर दी हूँ। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर, और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मसाले को अच्छे से भून लूँगी जब तक तेल ना छोड़ दे मसाला, और साथ में सूरन भी फ्राई हो रहा है तो मसाला अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये फ्राई किए हुए सूरन और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी पानी, पानी थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनाऊँगी। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक, नमक ऐड करने के बाद 2-3 सीटी लगा लूँगी, क्योंकि फ्राई की थी तो सूरन थोड़ा पक चुका है। तो सब्जी हो गई है, अब मैं यहाँ पे तल ले रही हूँ पूड़ी। खाना तो अभी नहीं है क्योंकि अभी सिर्फ 9:30 हो रहे हैं, तो मैं पूड़ी थोड़ा ही बना रही हूँ सिर्फ देने के लिए टिफ़िन, और बाद में जब हम लोग को लंच करना रहेगा तो मैं राइस भी रखूँगी और पूड़ी भी तब बनाऊँगी, क्योंकि पूड़ी ठंडी अच्छी नहीं लगती है।
तो जब हमारा लंच का टाइम होगा वो टाइम पे मैं बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा ही बना ले रही हूँ। तो पूरी बन गई है और मैं उसको रख दी थी फैन ऑन करके थोड़ी ठंडी होने के लिए, क्योंकि ऐसे गरम गरम टिफ़िन में नहीं रखना चाहिए। तो पूरी ठंडी हो गई है तो मैं टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ और किचन भी क्लीन कर ली हूँ। और बर्तन पड़े हुए हैं अभी, सब ब्रेकफास्ट के भी बर्तन थे तो मैं नहीं धुली थी क्योंकि बनाना था मुझे टिफ़िन, तो मैं बर्तन धुल लूँगी। इसके बाद सारे काम फिनिश हो जाएंगे, फिर जब हमारा लंच का टाइम होगा तो मैं राइस बनाऊंगी। और बर्तन क्लीन करने के बाद मैं जा रही हूँ आदि और आरुष को होमवर्क कराना है। लंच हुआ हमारा, उसके बाद मैं डायरेक्ट मिल रही हूँ, 7:30 हो रहे हैं अभी। तो यहाँ पे डिनर बना रही हूँ और दाल बन गई है मेरी, तो मैं यहाँ पे दाल में तड़का लगाने जा रही हूँ, दाल और राइस बनाऊँगी। और एग बॉयल होने के लिए रखी हूँ, तो आज का डिनर है दाल राइस और बॉयल एग। तो दाल में तड़का लगा के फिर कुकर में मैं रख दूँगी राइस। इसके बाद मुझे काम है थोड़ा, सब्जी आई है तो उसको क्लीन करना है। तो राइस रखने के बाद मैं सब्ज़ी क्लीन करूँगी, उसको पानी में मैं भिगा के रखी हूँ, हल्दी ऐड करके पानी में। तो यहाँ पे दूध रखी हूँ, दूध गर्म हो रहा है और सब्ज़ी को क्लीन कर लूँगी। सब्ज़ी को मैं हल्दी के पानी में भिगा के रखी थी 20 मिनट से, तो अभी मैं उसको धुल के रख दूंगी सूखने के लिए। तो सारी सब्जियाँ धुल दी हूँ, अब मैं इसको ऐसे ही रख दूँगी रात भर सूखने के लिए, ढक के रख दूँगी मैं, सूख जाएगा। फिर सुबह मैं अच्छे से इसको रख दूँगी फ्रिज में। मिर्ची भी है, उसको मैं सुबह में तोड़ूँगी जब सूख जाएगी। तो काम हो गए सारे फिनिश, अभी करूँगी मैं ये ब्लॉग का यहीं पे एंड। और आप लोगों से बहुत ज़्यादा गर्मी है, बारिश गई तो गर्मी स्टार्ट हो गई, इतनी ज़्यादा दूध रखी हूँ, दूध भी नहीं गर्म हो रहा जल्दी से ना, ज़्यादा है और फ्रिज में था, अभी ज़्यादा गैस फास्ट करूँगी तो फिर ये फट जाएगा। 10 मिनट तक यहाँ पे खड़े होके रहना पड़ेगा।